भाई आगे तक रामफल जी जो मेहम चौबीसी से है, रामफल जी उग्रताल पे भाई बैठे हैं, सभी माननीय सामने बैठे मेरे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मेरे साथ चल रहे सभी हमारे साथीगण, सबसे पहले तो माफी चाहेंगे कि बहुत ही लेट हो गए, जगह पे जमे हुए हो, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। साथियों जी, आज पूरे हरियाणा का टोलों का दौरा किया आपने, क्या लगा आपको, क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी इस तरह का दबाव? नहीं, पूरे टोलों का दौरा नहीं कर पाए, आज तो मैं चार टोलों पे ही जा पाया हूँ, और जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस हर जगह पे है, और उसके बड़ी बात ये है कि जगह जगह पे लोगों ने लंगर लगाए हुए हैं, जो बहुत बड़ा एक हरियाणा के अंदर हम जो है वो पहले बार देख रहे हैं कि किसी आंदोलन के अंदर इस तरह से लोग लंगर लगाने शुरू कर दें, तो वो एक इशारा होता है जनता के अंदर जागृति मापने का। तो जो जनता के अंदर जागृति है वही एक आंदोलन होता है, जो जनता के अंदर जागृति है इस वक्त वो हर गांव में, हर वर्ग में और हर आयु के लोगों में, वो देख आपको बच्चे भी मिलेंगे यहाँ, बुजुर्ग भी मिलेंगे यहाँ, 18-18 साल के बच्चे भी आंदोलन में मिलेंगे, 18-18 साल के हैं तो 12-12 साल के भी हैं, और औरतें भी आंदोलन में। तो ये एक बड़ा एक इशारा है, एक प्रकृति का एक संदेश मेरे को नज़र आ रहा है कि आज पूरा देश जो है वो एक तरफ झुक गया, सारी जाति बुला के, सारे धर्म बुला के, केवल इंसानियत पे आज खड़े हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि तीनों गांवों को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कल हम भी साफ कर चुके हैं कि इनके बिना फैसला होगा नहीं, और तीन से भी फैसला नहीं होगा, MSP की गारंटी का कानून साथ में बनवाएंगे, क्योंकि MSP सरकार तय करती है, केवल खरीद की नहीं है, और खरीदने से अब गुमराह कर रहे हैं, हम MSP दे रहे हैं। अमित शाह जी से हमने सवाल किया था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं खरीद सकते। रणनीति क्या होगी आगे की, किस तरह की? आगे की रणनीति जो है वो अभी मैं तो यहाँ हूँ, पीछे मीटिंग हुई थी, 29 तारीख को एक मीटिंग है सरकार से, अगर 29 को भी कोई फैसला नहीं होता तो 1 तारीख को मीटिंग करके हम कोई अगला रणनीति बनाएंगे। आज आपने कुछ अहम निर्णय लिया है, फैसले लिए हैं, जिसमें कहा कि बाबा रामदेव का बहिष्कार होगा, टोल फ्री मतलब कंटिन्यू चलेंगे जी, दो फैसले लिए हैं, एक तो जो बाबा रामदेव का अंबानी और अडानी का उत्पाद है उसका बहिष्कार, वो खरीदना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं करनी, जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद नहीं करानी, पेट्रोल पंप जबरदस्ती हमने कोई नहीं करनी, और दूसरा जो है टोल है वो हरियाणा में अनिश्चित काल के लिए, जब तक बात नहीं मानी जाए तब तक के लिए फ्री है। केएमपी के टोल सारे चालू हैं जी, केएमपी के टोल सारे। देखिए, आपने आपने कहा कि जिस तरह से ये कहा कि आपने जितने भी नेता हैं बीजेपी के उनका बहिष्कार, वो कैसे हो पाएगा, कैसे करेंगे? क्या जी, बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार की बात की है? देखिए, बीजेपी ने तो जहाँ भी रैली करेंगे, खट्टर ने रैली की है, दुष्यंत ने रैली की है, उनका बहिष्कार किया है हमने, कई मंत्रियों का बहिष्कार हो चुका, आगे भी जहाँ पे ये अपने प्रोग्राम करेंगे वहीं पे इनका बहिष्कार। किसान एकता।